याबल हुसैन बेहकिल हुसैन इश्क सदरत हुसैन बेजहूर हुज्जत कायम आले मोहम्मद मेरा अल्लाह अपनी इज्जत वास्ते इमाम ज़मन में ज़हूर उस्ताजी फरमा असा गुनाहगारा नु जग दुनिया ए फना छोड़न तो पहले यूसुफ सैयदा की ज़ियारत नसीब फरमा मेरा मौला सादात तज़ामन की थोड़ी अपनी बारगाह विच कबूल और मंजूर फरमा सैयदा का मुबाशर साहब मुताल औलाद दे बीमार आए सैयद साजदीन सलाम के सदके कुल मरीजा नु सेहत कामिला आजिला अता फरमा मेरा मालिक खालिक अपनी इज्जत वास्ता जो औलाद आए सदका बाबू हमारे हजरत शहजादा अली असगर सलाम का नेक नरीना साहबे औलाद अता फरमा करबला मौला वास्ते सारे दुआ मंगलो मेरा अल्लाह इस साल मैं गुनाहगार समय जो जो सुख दिन मौत के हमले तो पहले रौजाए शफीर की ज़ियारत नसीब फरमा मेरा मालिक पाक हुसैन जी पाक मुशीर फातह शाम व सलाम नसीब फरमा मेरा अल्लाह नाजदारा जेड़े किसी चीज़ की परवाह नहीं करते न सर्दी न गर्मी न बारिश किसी चीज़ की परवाह नहीं करते मेरा अल्लाह इन्होंने एक बार अखा नाल ओ जा विखा इतने चार साल की थी 9 लाख कमीने की हथ बंदी आई है नहीं आ गई ने हथ बन बन क्या दिया मिन्नत लाओ जो मारना ही है तो पानी पिला के मारो भाई कर करोना ले आना है दुआ मंगना खुदा तेरी इबादत कबूल करे वक्त नहीं बच रही है अपने वक्त मैं थोड़ी जी दो चार गलें कर सकता चलो कभी ज्यादा ही हो जाती है चलो इतने ही काफी है मदद साल प्रसार जिंदगी होंगी है राशि जवाना हो आज भी छोड़े जी मदद इस प्रसार हुसैन बादशाह दी 7 साल दी बुढ़ी थी भला खुदा करी है कि मौजदा है जिक्र का कमाल है और कभी भी मजमा समझ के गल की नहीं कौम समझ के गल करदा ते जब तक साह है कौम च जिंदा रहना है ध्वन सुनना है अज भी छोड़े थे मजलिस गल ध्यान रखो ये चलता रहता है ध्यान रखो मेरे अले पास है अज भी छोड़े थे मजलिस कम अज कम आवाज खामोश रखो यार विछोड़े की मजलिस कल तू शहादत का सिलसिला शुरू हो सी कल तू खूनी करबला पड़ी जा सी अल्लाह तुहाडे बच्चे शिफा दे वे जिसने कल तुसी दुआ कर रहे हो दुआ शामिल हो जाते हैं ऐसे मरीज विछोड़ा 7 साल दी बेटियां नाल अज दा मैसेज की है छिया सुनिया वास्ते अज की मजलिस उस बंदे को समझ नहीं आनी जड़ा वेड़े विच धीआं वेख के घबरा जाता है या धी पैदा हो जाए तो जिसका चेहरा रह जाता है उस गाने की मजलिस नहीं अज की मजलिस उस गाने जड़ा बैठा मजलिस याद धी आ रही है अज की मजलिस उस वास्ते जड़ा धी नु रब का इनाम समझदा है और मैं अक्सर आख्या मिंबर ते मैं ना बड़ा प्यार किया कर पुत्रां नाल भी कर धीआं नाल ढेर प्यार कर
पुत्र जायदादा के वारिस होंगे जिन्हें निमाणिया का कोई पता नहीं इन्हों का जनाजा केड़े वेड़े चूसना है। पुत्र रकबे दवारिस जायदाद दवारिस धी प्यो के जनाजे दिवारिस शाला किसी की धी विछोड़ा ना आ जाए शाला किसी की बेटी विछोड़ा शिया सुनी जवाना ये विछोड़ा आखना बड़ा सौखा दीन पता हो तो मेरा बाप निखड़ रहा है एयरपोर्ट तक सब सी देखे हो सी जड़ी ढेर मिलती है ना मुसाफिर को रज रज के जड़ी बाई निकलती वो धी होती है। साल बाद बाप आ रहा है किसी मुल्क तो साल बाद आ रहा है पूरा खानदान खलोता रहा सी धी दौड़ के जा सी तो जाके प्यो के गल च बाई पा ले सी मुसाफिर भी राह देते हैं यार मिलन दो इसकी धी आ गई है कोई एडे वे मजमे में जाए करने वाला चाली हवेली का दरवाजा सुगरान उंगल नाल आए करी मत पास नाल सजा दोवी रो रो क्या सुगरा भगत अमल नाल निभा छोड़े बाबा मुसाफिर बसदा रहे एक मंजिल बुलंद करो वैन सुनावा मातम सुनावा हाय 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 अजादारा दिन लव ज़ईफ़ा आखे गुड़ी आखे जवानों समझो मसाए थी फजाएले जेड़े मसाए भी नान दे नो भी ऐसे नाकल हैरान हो जान दीजे आए करके रोना दिया बल्कि चुना था मसाए भी दर से तबलीगे मसाए जिंदगी रही दाली एक बर्बाद शादा जनाजा बरामद करवाएं दिन जब जाकर एक विच बंद पड़ दें तो जाके ना बुढ़ी आई तो किमें हो गई थोड़ी गल तो उनमें गल पे करता हाँ असी एक बंद पढ़ते होंगे हमने विखे उसकी तासीर विख्या इस मत में जैसे पढ़ते होंगे अकबर दलान ते हुसैन मौलक नु आख्या कैं डिठा हो गए तेरी मसला बात रवे मैं दुआ दे दिया कैं डिठा होवे मेरे अकबर नो मस्जिद दक्षा तू लहंदा सैयदा दैंज ना लहना जिमें उम्मत लहाया मेराज तो वापस आंदा ऐ अगली गल थोड़े बंदे समझे उसे नौ लखनवा दे मैं मरकज हां विच दुनिया दे औलाद दिया दर्दां दा समझो जवानों शायद ने की लिखे है उस एहसास लिखे है मैं मरकज हां विच दुनिया दे औलाद दिया दर्दां दा किसी भी इंसान नो औलाद दा शिया सुनी भाईओ कोई दर्द आया ना वो हुसैन दी ज़ात विच मिलेगा किसी दा पुत्र किसी दी धी बड़ी जख्मी होवे बड़ी रुली होवे वो हुसैन दी जिंदगी अगर किसी दा बीमार रहो होवे ता हुसैन दा 40 साल खून रोंदा रहिया किसी की धी दुखी हो तो हुसैन की 4 साल में ज़ईफ़ा हो गई भतरीजे भी तो औलाद आती है ना जवानों मैं मरकज हाँ विच दुनिया के औलाद दया दर्दा का कोई ऐसा भी खा सकते हो जिस दे पुत्र की लाश गड्ढे च बनी के आई हो खा सकते हो जवानों हर तरह का दुख दर्द जाते सैयद शौदा पर मिल सी हुसैन दी कोई 7 साल दी ज़ईफ़ा हुसैन दी कोई 4 साल दी ज़ईफ़ा हुसैन मजलूम दा कोई 24 साल दा ज़ईफ आए करके रोना लिया दुआ मंगदा जिन्हां बेड़िया विच औलाद नहीं दिली दुआ कर रहे हो जितनी दुआवां पूरी दुनिया तो मेरे जिम्मे दुआ पे करता इस विछोड़े की इस मजले से मेरा मौला इस वली दे दरबार ते औलिया दी बैठक दा वास्ते ही जेड़े सिखदे औलाद वास्ते बड़ी कमी होंदी है औलाद दी वारिस हो जांदा है कोई बुढ़ापे दा सहारा हो जांदा है मिशन दी भी कोई औलाद कम आ जावे तो मुकद्दर संवर जांदे ने किसे बेड़े विच औलाद ना होवे सहारा ही रहंदा है
एक इंसान कितना कि बोल सकता है। धियां पुत्रां दे बोलन तो तंग ना आए करो। बच्चा अगर बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो कभी उसको चुप ना कराया करो। अल्लाह दी रहमत बोल रही होती है, मां झिड़क देंदी है, चुप नहीं बच्चा करता। तो ऐसे औलाद को जी अच्छा बोल रही है, अच्छी बात कर रही है, अच्छा सवाल कर रहा है, खुशी होती है। त्रै बच्चे वेड़े च होण, हर बंदा अपने वेड़े ते निगाह रखे। कोई बच्चा मां कोल खेड़दा है, कोई बाबे कोल खेड़दा है, कोई भैणा नाल खेड़दा है, कोई नाने दादे दी झोली च खेड़दा है। खुशी होई रहिंदी है वेड़े च। विछोड़ा सुना ना लिया मेरा तेरे ते सवाल है, जिथे त्रै बच्चे होण उस वेड़े जितनी रौनक होंदी है, ते जिथे 84 बच्चा होवे। हाय मैं अगले जुमले ते ज़दार दी सुनना चाहना, रोएंदी हो गल 83 तुर जावे ते हेक रह जावे। ऐ गल रोण वाली है, ऐ गल रुआ गई है। जिस दी अजे हाय नहीं निकली, मैं मातम दी दावत कर देना, वत पुत्र ना होवे धी होवे, तंदुरुस्त ना होवे। अल्लाह तआला उसे कबूल फरमावे। मेरे वीरो तंदुरुस्त ना होवे, तंदुरुस्त ना होवे, बीमार होवे, होवे दी अकबर बादशाह दी भैन। हाय करके रोवण आले हो, कयामत मंदर आई, औखा वेला आई। जदा हुसैन फरमाया पास कागज कलम दबा छा, फरिश्त मुसाफिर बैठ पड़ लगा माफिया दे सैदा। फरिश्त मुसाफिर आली बना पास लिखे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फरमाई दे हेठ लिख इन्ना लिल्लाह एवा इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया पास हुण मर्दां दे नां लिख, हाशमी जवानां दे नां लिख, जंगजूआं दे नां लिख। ऐ अगला दर्द ही जिहड़ा खा गया दी आलिया नूं, कंब गई है मदीने दी जमीन।